आज हेउछि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। आज दिन को पूरा भारत वर्षरे जातीय एकता दिवस भावरे पालन करा जाउछि। भारत को एकाठी करिबारे सरदार वल्लभ भाई पटेल गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले, जेउथिपई ताकु लौह पुरुष भाबे अभिहित करा जाइछि। भारतर प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन को 2014 मसीह एकता दिवस बा नेशनल यूनिटी डे भाबे पालन करा जाय आसुछि। एही अवसर रे गुजरातर एकता नगरी रे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सम्मुखरे लौह पुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पण करिछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एकता दिवस रे एठारे एक प्यारेड रे मोदी अंशग्रहण करी देशर रक्षक सीआरपीएफ रो साहसी सिंह को डेयर डेविल स्टंट को देखी विमोहित होइथिले। या सह लोकंक मध्यरे एकता बजाय रखिबा पई सेमानंकु संकल्प कराइथिले। देशवासींकु उद्बोधन देई प्रधानमंत्री मोदी कहिथिले, भारत सरकार नौबाहिनी ध्वजारे थिबा इंग्रज अमलर लोगोकु हटाई दिया जाइछि। या सह भारतीय नायक संहितारे थिबा इंग्रज अमलर अनेक आइनकु मध्य बदला जाई नुआ आइन आसिछि। सेहिपरि इंडिया गेट सम्मुखरे जेउठि विदेशी प्रतिनिधिक प्रतिमूर्ति थिला, एबे सेठारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रतिमूर्ति आम मानंकु वीरत्वर प्रेरणा देउछि। सेहिपरि प्रधानमंत्री आहुरी कहिछन्ति, एमिति कोनोसी लक्ष्य नाही जहाकु भारत पाई पारिबनि। गत 9 वर्षरे देश देखिछि जेतेबेले समस्ते एकाठी होइछन्ति सेतेबेले किछि भी असंभव नुहे। या सह जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद को नै मध्य कहिछन्ति मोदी। सुनंतु कौन कहउछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत ने अपनी नौसेना के ध्वज पर लगे गुलामी के निशान को हटा दिया है। गुलामी के दौर में बनाए गए गैर जरूरी कानूनों को भी हटाया जा रहा है। आईपीसी की जगह भी भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है। इंडिया गेट पर जहां कभी विदेशी सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा थी, अब नेताजी सुभाष की प्रतिमा हमें प्रेरणा दे रही है। साथियों, आज ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो भारत पा न सके। ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो हम भारतवासी मिलकर सिद्ध ना कर सके। बीते 9 वर्षों में देश ने देखा है कि जब सबका प्रयास होता है तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। किसने सोचा था कि कभी कश्मीर आर्टिकल 370 से मुक्त भी हो सकता है, लेकिन आज कश्मीर और देश के बीच आर्टिकल 370 की वो दीवार गिर चुकी है। सरदार साहब जहां भी होंगे सबसे ज्यादा प्रसन्नता अनुभव करते होंगे और हम सबको आशीर्वाद देते होंगे।